वेलकम बैक टू माय चैनल कुक फूड विद जो। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट हलवा। चॉकलेट तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, और जब बात हो चॉकलेट हलवे की तो वो किसे नहीं पसंद आएगा। तो चलिए हम जल्दी से इस चॉकलेट हलवे को बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट हलवा बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 1 कप सूजी, तकरीबन आधा कप घी, 1 कप से थोड़ा सा कम मिल्क, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स। अब जैसे कि हम चॉकलेट हलवा बना रहे हैं तो इसे बनाने के लिए हमें चॉकलेट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रेगुलर चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डार्क चॉकलेट भी इस्तेमाल की है। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे घी। घी को हम पहले अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि घी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सूजी। अब हमें सूजी को घी में बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। ध्यान रखिए कि गैस के फ्लेम को आप लो पे रखिए। सूजी को हमें लगातार चलाते हुए अच्छे तरीके से भूनना है, अदरवाइज ये नीचे से जलने लग जाएगी। सूजी को हमें तब तक लो फ्लेम पे भूनना है जब तक कि ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसमें बहुत ही बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। जब तक सूजी भून रही है तब तक हम अपने चॉकलेट्स को मेल्ट कर लेते हैं। तो चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए हम यहाँ पे डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क। चॉकलेट को मिल्क डाल के मेल्ट करने से ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है, और चॉकलेट और मिल्क का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही डिलीशियस होता है, और इससे हमारे चॉकलेट हलवे में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर ऐड होता है। तो देखिए चॉकलेट कितने जल्दी और अच्छे तरीके से मेल्ट होने लग गई है, जो है वो बढ़िया से मेल्ट हो गई है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे इसी बर्तन के ऊपर रहने देंगे ताकि ये वापस जमने ना लग जाए। जी का जो कलर है वो हल्का हल्का चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसे हमें तकरीबन 5 मिनट और अच्छे तरीके से भूनना है। आप सूजी को घी में जितने अच्छे तरीके से और जितनी ज़्यादा देर तक भून के ये हलवे को बनाएंगे, ये हलवा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सूजी अब बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो गई है और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे शक्कर। शक्कर डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट और अच्छे तरीके से भून लेंगे। आपको इस हलवे में शक्कर थोड़ी कम ही लगेगी क्योंकि इसमें हम चॉकलेट भी डालने वाले हैं। तो शक्कर और सूजी दोनों ही अच्छे तरीके से भुन गए हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप दूध और 1 कप पानी। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी में 1/2 कप मिल्क और 1 कप पानी डाला है। तो अब हमें इसे 3 से 4 मिनट लगातार अच्छे तरीके से हिलाते हुए पकाना है। जिन्हें मिल्क और पानी दोनों को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मेल्ट की हुई चॉकलेट। साथ ही हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। बस अब हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है।
आप इसमें जितनी ज़्यादा चॉकलेट डालेंगे ये उतना ही टेस्टी बनता है। तो हमने चॉकलेट को अच्छे तरीके से सूजी के साथ में मिक्स करके 2 से 3 मिनट पका लिया है और अब हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। डिलीशियस और चॉकलेटी चॉकलेट हलवा बनके एकदम तैयार है। आप लोग भी घर पे इस चॉकलेट हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।